नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेतु पे जो भी यूज कर रहे हैं उसमें एड मनी करना सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग इसमें एड मनी नहीं कर पा रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं और कुछ समय बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेतु पे एड मनी पे पूरा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ एड मनी कैसे होगा। जैसा कि देख रहे हो कि मैंने इसका लॉग इन कर लिया है, इसका आईडी और यहाँ पे बैलेंस मेरे 0.76 पैसे हैं अभी। तो एड मनी के लिए सिंपल आपको एड मनी वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना है दोस्तों। जैसा कि देखिए मैं एड मनी वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इंटर अमाउंट में जितना भी एड मनी आपको करना है उतना डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पे 666 का एड मनी करेंगे, तो हमको इतना एड मनी करना है। एड मनी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपल डाल के अमाउंट यहाँ पे एड मनी वाला ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, और देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक क्यूआर कोड आ जाता है। तो आप क्यूआर कोड को जो भी लोग स्कैन कर रहे हैं ना, तो 3 मिनट की टाइमिंग होता है इसके अंदर स्कैन के लिए, नहीं तो बाद में स्कैन करते हैं ना इस क्यूआर कोड को तो पैसा आपका मान्य नहीं होता है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पे यूजिंग इंस्टॉलिंग यूपीआई पे जैसे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे तो आपको फोन में जो भी यूपीआई होंगे, फोन पे गूगल जो भी यूज करते हैं उसको क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पेटीएम से रिचार्ज करने वाले हैं पेटीएम से, तो यहाँ पे मैं पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फोन पे चलिए फोन पे से करता हूँ, जस्ट वन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं एक फोन पे से अपना 666 का एड मनी करूंगा। तो देखिए फोन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, मैं क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डालूंगा, पे पे क्लिक करूंगा और जैसे हम अपना यूपीआई आईडी डालते हैं तो हमारा 666 रुपए यहाँ पे बैलेंस कट जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे एड मनी करना, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ सेम ऐसे ही आप कीजिएगा। आप डायरेक्ट यूपीआई से कीजिएगा पे विथ यूपीआई से, उससे आपको अच्छा रहता है, क्यूआर कोड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए हमारा पैसा यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। अभी हम यहाँ पे बैंक जाएंगे देखिए दोस्तों, और बैंक जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा बैलेंस यहाँ पे, मैं एप्लीकेशन को एक बार कट करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए मैं एप्लीकेशन को फिर ओपन करूँगा, साइनअप करूँगा। अब देखिए हमारे बैलेंस यहाँ पे जो भी है हमारे 666 रुपये हमारे वॉलेट में यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो जैसा कि देख रहे हो कि इसमें हमारा 666 रुपये ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कभी कभी सक्सेस होने के 5 मिनट बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है एप्लीकेशन को कट करके, फिर एक बार एप्लीकेशन को आपको ऑन कर देना है, आपका पैसा यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो अगर कभी आपका सक्सेस होने के बाद भी पैसा नहीं आता है तो एप्लीकेशन को मिनिमाइज कीजिए और 5 मिनट के बाद अपडेटेड बैलेंस को एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपका पैसा आ जाता है। तो इस तरह से सेतु पे में आप ऐड मनी कर सकते हो, और क्यूआर कोड से ज़्यादा ना करें, ज़्यादातर हो सके तो आप यूपीआई के थ्रू ही करें, क्योंकि क्यूआर कोड में मिनिमम एक वैलिड टाइम होता है। तो वीडियो कैसा लगा और आप सीख चुके हैं सेतु पे में कैसे एड मनी करेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।